आप 8000 की टिकट क्यों नहीं ले लेते? हमारे पास 8000 रुपया होता तो हम दूसरी शादी कर लेते। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ ऑन लाइव टीवी इंसल्ट्स एंड फनीएस्ट पाकिस्तानीज। दिस वीडियो इज फ्रॉम बदला ब्रदर्स, मेक श्योर टू सपोर्ट हिम। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, लेट्स चेक इट आउट। समझते हैं ऊंटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम आदमी का दूध जी, गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। आप क्या कहा जी, गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। कोई पीता भी है क्या गधी का दूध? डायरेक्टेड बाय बदला ब्रदर, एडिटेड बाय मैं खुद और कौन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ऐनक वाला खंजर कौन बैठा हुआ है? ये ऐनक वाला खंजर कौन बैठा हुआ है? देखते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वाले कलर को इस ऐनक वाले बंदे से कोई जाति दुश्मनी हाँ। नहीं, लाइव टीवी पे बाकायदा कॉल करके एक मखसूस बंदे को पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ये कंजर कौन है। अच्छा, सोचा यहाँ से शायद मुझे ऊपर चढ़ने का कोई ऊपर चढ़ने का कोई कहाँ ऊपर चढ़ने आप लोग चढ़े हो। पहली बात तो ये कि इसके बालों की तरह इसके अल्फाज भी उलझे हुए हैं, इसका फिक्र ही नहीं ठीक। मैं ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, अरे मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, ये होता है। इस तरह की लड़कियाँ बचपन में बैतुल खला जाके फारिग हो के अपनी वालदा को आवाज देती हैं, अम्मी कर ली है, आकर तशरीफ धो दें। और इनको मिस वीट के जरिए ऊपर चढ़ना है। नहीं, ये कैसी आवाज थी, ये कैसी अपील थी, ये अपील कहाँ से निकली है? रात को जब बंदा सोने की कोशिश कर रहा हो ना, तो मच्छर कानों के करीब आके इसी तरह की आवाज निकाल। रखिए, मुझे और आपको 50-100 नंबर याद होते थे, आज बहुत से लोगों को बीवी का नंबर याद नहीं। तो हम टू मच स्मार्ट या फिर टेलीफोन नंबर की बात की। जी जी एग्जैक्टली। एक मिनट, क्या कहा, दोबारा दिखाना। बहुत से लोगों को बीवी का नंबर याद नहीं, माफ कीजिएगा। तो हम टू मच स्मार्ट या फिर टेलीफोन नंबर की बात की। जी जी एग्जैक्टली। ओ अच्छा, सीरियस सूरत हाल में भी मजाक करने की आदत नहीं जा रही, लेकिन फिक्र ना करो, आपकी बारी भी एक दिन आएगी। तीसरी तस्वीर, ये बिल्कुल आपसे मिलता है। मुझे एक्चुअली वसीम बदामी पसंद है। मैंने बहुत लिमिटेड देखा उनको, लेकिन जितना भी देखा। आगे ना बारी, मैंने कहा था ना, कोई नहीं बात, टेंशन ना लो, जो जुगते कराता है वो जुगतों में काबू भी आ जाता है, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं। टाइम कब हो जाएगा? बड़ी डीट बॉटल है भाई। आप पे तो नहीं गई जैनब, आप पे तो नहीं गई। म्यूजिक हफीज भाई, जैनब ने आपकी कौन सी बात नहीं मानी जो आप उसको ढीठ कह रहे हैं? सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, जापान, जनूबी कोरिया, नेपाल तक ये भैंस चुक फैल चुका है। की आदत हो ना तो मुंह से गाली निकल ही जाती है, चाहे फिर वो घर में हो, बाहर हो, मोबाइल पे हो, या फिर पूरे पाकिस्तान के सामने खबरें सुनाते वक्त हो। और एक मैं मैसेजर दे सकता हूँ? शो, मैं अपने कजन से 1000 रुपए लेना है। वो अगर भाई मेरे ना यार अरफान भाई, 1000 रुपए मुझे वापस कर दे प्लीज, 5-6 दिन हो गए हैं, कॉल भी कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहे हो, तो मेहरबानी पैसे भेज दे। अरफान भाई, ये पैसे इसका 1000 रुपया, टेंशन में है बेचारा। वी वेंट टू दिस इंटरनेशनल अनियार अहद टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, दुबई में, और हमारी शक्लें भी शायद थकी थकी इसलिए लग रही हैं बिकॉज बहुत हेक्टिक था वो, तो वहाँ पे इतना कमाल रिस्पांस। हे लेजीनेस। वैसे ये क्या था, क्या करना चाह रही थी हानिया खतून? ये क्या नखरे हैं? अच्छा, नखरे थोड़े से ठीक है। वैसे ये 1 सेकंड आगे पड़ा हुआ है कप चाय का, खुद क्यों नहीं पकड़ा? आपकी कमर में सरिया पड़ा हुआ है या? एक्चुअली मेरे को ये लग रहा है कि हानिया झुक लेती खुद से, लेकिन उसको ये डर लग रहा था अगर वो झुकेगी तो उनका क्लीवेज दिखाई देगा, बिकॉज उन्होंने जैसा हाथ रखा झुकते वक्त, तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम जस्ट गेसिंग, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इम्प्रेशन लगा। हो भी सकता है कि शी इज जस्ट लेजी। लेट्स कंटिन्यू। कोई और वजह है? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी। अच्छा साबित हुआ क्योंकि मनरो के 2 कैचेस छूट चुके हैं, और अगर होता इस वक्त तो 4 खिलाड़ी
इनके आउट हुए होते और टपाल की आज काफी जरूरत है और टपाल की आज काफी जरूरत। लड़कियों ने आखिर बता ही दिया, दिखाई दिया कि इन कपों में कोई चाह चू नहीं होती, बस हमें कैमरे के सामने आने की चाह होती है, इसलिए ये चाह वाले हमें दिखावे की चाह पकड़ा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाज लड़कियों को देखने की चाह रखने वाले लौंडे जब इन कैमरे के सामने अपने आप को दिखाने की चाह रखने वाली लड़कियों को देखेंगे तो उन लौंडों के दिल में एक चाह पैदा होगी कि काश ये चाह हमारे पास होती, या ये चाह वालियां हमारे पास होती। मजाक हो रहा है। एक तरफ हाथ जोड़कर अपील और दूसरी तरफ टिक्का पार्टी। अदाकारा मीरा की अमेरिका में बारबेक्यू पार्टी में शिरकत की वीडियो सामने आ गई। वो किसी होटल में नहीं अपने होने वाले ससुराल में मौजूद हैं और मंगेतर कैप्टन नवीद के साथ बारबेक्यू करते हुए देखी जा सकती हैं। दूसरी जानिब मीरा ने अपनी वीडियो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की थी कि वो अमेरिका में फंस गई हैं और वतन वापस आना चाहती हैं। इस दौरान पाकिस्तानी अदाकारा का वीडियो पैगाम भी वायरल हो रहा है जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म से वापसी का इंतजाम करने की अपील कर रही हैं। वीडियो पैगाम में मीरा का कहना था कि न्यूयॉर्क कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है जबकि उनके पास पैसे भी नहीं हैं और मुश्किल से गुजारा है, होटल के कमरे में कैद हैं। वो हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के साथ शूटिंग के लिए अमेरिका आई थी। मीरा का वजीर कहना था कि तमाम साथी फनकार वापस जा चुके हैं और वो अकेले ही इस वबा में फंस गई हैं। देख लो भाई दिखावा कैसे इन लोगों का, कैसे कुछ हैं करते कुछ हैं, हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो दफा करो। 8,000 रुपए की टिकट मिल रही है, मैं पूछता हूँ 8,000 की टिकट मिल रही है, आप 8,000 की टिकट क्यों नहीं ले लेते? हमारे पास 8,000 रुपया होता तो हम दूसरी शादी कर लेते। शहजादा क्या बात है, वाह। वैसे अंकल मजबूर 2.0 अपडेट वर्जन मैक्स प्रो, ये बात तो बताओ कि दूसरी शादी करके क्या करना चाहते हो, पहली के अखराजात तो पूरे कर लो। एज तो 27 है बट मेरे जो हेयर लॉस तकरीबन हो चुका था वो 23 की एज में हो गया था। तो अब कितने बाल बचे हैं आपके सर पर? ये देखा हुआ है अभी सर, जो आपकी कंडीशन है वही से मेरी कंडीशन है। आपकी तरह ही बाल है। ये कॉल करने वाला और एंकर पर्सन, इन दोनों को देख के सुन के इनकी परेशानी का मुआयना करके मुझे एक गाना याद आ रहा है। मैंने पहले भी देखा हुआ था ये वाला सेक्शन, लेकिन फिर भी फनी ना। दुनिया में अंदर से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो है वो जिंदगी खराब से हो गई है, तो इससे वाले से मुझे पूछा है कि क्या जन्नत में भी नेट होगा, हम मतलब जो है वो मोबाइल फोन वगैरह जो है वो जन्नत में चलाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन, जरूरी क्वेश्चन पूछा। इसको ना खत्म होने वाले फल फ्रूट खाने पीने की अशिया के दरमियान, बहिश्त की ही हूरों के दरमियान, जहाँ हर ख्वाहिश एक सेकंड में पूरी होगी उस जगह के दरमियान, जहाँ ना ऊंग ना नींद ना थकावट ना मेहनत ना मुशक्कत ना मरना ना ही बुढ़ापा, हमेशा की जवानी और फितने फसाद लड़ाई झगड़े से पाक जगह पर नेट चाहिए। अरे नेट क्यों इस्तेमाल करते हो? बोरियत दूर करने की वजह से ना, वहाँ पे तो बोरियत ही नहीं, टेंशन ही नहीं, कोई गाली नहीं, कोई बात ही नहीं, हेल्प भी मिलेगा, तो हर चीज मिलेगी, टेंशन ना लो। वजीर साहब ने मेरे जमात छोड़ा और अब भी वही वजीर अपनी जमात में। अंदर के जज्बात निकल रहे हैं, ये अंदाज वैसे कुछ देखा देखा सा लगता है। और अब भी वही वजीर। एक मिनट, ये बिलावल जरदारी है ना, ये जिंदा है? मैंने तो एक आंटी से सुना है कि ये फौत हो गया। I remember this. Shut up. ये कहाँ से आया? चाइना से आया। क्यों आया? मैं नहीं बताऊंगा। लगवाते हैं आप? हाँ जी पूरी रात। वो गेट पे जाएंगे या गेट पर जाएंगे बस। बिल्कुल, अगर आप हमें इजाजत दे तो हम कुछ सवारियों से भी बात करना चाहेंगे। ओ जी ओ चाचा क्या बात है, उन्हीं की जुबान में आपने कहा है, प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है। वाह भाई वाह। हमें इजाजत दे तो हम कुछ सवारियों से भी बात करना चाहेंगे। नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आप प्लीज दफा हो जाएं। अच्छा आंटी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज है जो धूप में नहीं सूखती? ये आंटी किसको बोल रहा अभी? आपको क्यों? नहीं वो छोटे से मेकअप किट में पड़ी हुई लिपस्टिक जितनी लड़की ही अपनी उम्र से बड़ी खातून को यानी के आपको आंटी ना बोले तो क्या हानिया आमिर का छोटा भाई बोले? ये आंटी किसको बोल रहा अभी? आपको क्यों? बहुत सारी औरतें ये हो जाती है, ऑफेंड हो जाती।
हाँ मैं क्या बोलूँ आपको, जो भी बोले बाजार में खड़े हो गए, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। शादी का क्या लेना देना लफ्ज आंटी से है। कई लड़कियां शादी के 10-15 साल बाद भी आंटी नहीं लगती और कहीं पहले ही लगना जैसे कि आप। ये है नेचुरल है, और ये भी नेचुरल है कि लड़कियां अपनी उम्र के मामले में काफी पेचीदा और सेंसिटिव होती हैं, और वो हमेशा 18 साल की थी, 18 साल की हैं और 18 साल की ही रहना चाहती हैं। ये टॉपिक है, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो खैर अभी के लिए सिर्फ इतना ही था, उम्मीद है वासी के आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। लाइक करना मत भूलिए, आज की वीडियो का टारगेट है 10,000 लाइक। एक्चुअली मैं पहली बार बदला ब्रदर के कोई वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ, एंड आई हैव टू से आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। और इनका स्टाइल भी थोड़ा अलग था, इट्स लाइक इन्होंने मल्टीपल लोगों को रोस्ट किया विद इन अ सिंगल वीडियो। यूजुअली रोस्ट वीडियोस में आप लोग एक पर्सन पे या फिर एक कैटेगरी ऑफ पीपल पे कॉन्सेंट्रेट करते हो और उन्हीं को रोस्ट करते रहते हो, बट इन दिस वीडियो अलग अलग लोगों के बिहेवियर को रोस्ट कर रहे थे। तो काफ़ी क्विक था और इतने जल्दी 10 मिनट्स के ऊपर ये वीडियो था, एंड ऐसा बिल्कुल भी लगा नहीं कि ये 10 मिनट्स का वीडियो था, टाइम ऐसे ऐसे निकल गया। मैं देख रहा था और मुझे पता चला कि बदला ब्रदर के पास सिर्फ 84,000 सब्सक्राइबर्स है। आई मीन 84,000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात है, 84,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे होना कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बट आई फील कि ये वीडियो देख के, मैंने बाकी वीडियोस नहीं देखे लेकिन ये वीडियो देख के लग रहा है कि ही डिजर्व्स अ लॉट मोर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू सपोर्ट हिज चैनल, लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, वीडियो पे जाके लाइक करो और उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।